हेलो। हेलो श्वेता, आवाज आ रही है? बोलो। श्वेता, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके नोट्स वगैरह बना लिए आपने? यस सर, आधे तो लिख दिए, थोड़े बहुत रहते हैं। यस अच्छा, चीजें समझ में आ गई जो नोट्स मैंने दिए आपको। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है ये अकाउंटिंग के, थोड़ी बहुत हिस्ट्री और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। सर, जी, एक बार हाइब्रिड अकाउंटिंग भी बता दीजिए। हाइपर अकाउंटिंग। यस, हाइब्रिड अकाउंट। अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन आज कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, पांच जी सर, उस देर वेट करते हैं, देखते हैं, फिर मैं तो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जी बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें हम थोड़ी बहुत चीजें वो जानने की कोशिश करेंगे जो कभी कभी हम लोग, वैसे तो जरूरत नहीं है अकाउंटिंग के दौरान, लेकिन बस नॉलेज के लिए। देखिए, इसकी हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई और कैसे कैसे ये अकाउंटिंग आगे बढ़ता चला गया। बेटा, ये 400 BC से स्टार्ट हुआ था, और वहां पे जब पेमेंट और वेजेस एंड टैक्सेस जो भी दिए जाते थे उसको रिकॉर्ड किया जाता था। और इसको रिकॉर्ड किया जाता था कैसे, तो मिट्टी के टैब, मतलब मिट्टी का एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक रिकॉर्डिंग बुक बना दिया गया, मतलब एक ईंट बना दी गई और उस पर लिख देते थे वो लोग। उस वक्त सबसे पहले स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग, वहां पे रिकॉर्ड किया जा रहे थे पेमेंट्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह। उसके बाद आगे जब देखा हमने उसमें, उसके बाद क्या हुआ, जो भी महंगी चीजें थी उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया गया फिर उसमें। उसके बाद बेटा और आगे बढ़े, जितना आप हम आपने थोड़ा सा, हाँ जी सर, आ रही हूँ। तो इसको आप देखिए। देखिए, सबसे पहले जो है हम अगर हिस्ट्री में जाएं
तो ये देखिए अकाउंटिंग का तरीका क्या था, अगर आप अपने घर में भी देखें और आज के डेट में देखें, तो कोई ऐसा तो नहीं है कोई जर्नल एंट्री वगैरह कोई पास करता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से लिख लेते हैं, कोई डायरी में लिख लेता है किसी चीज को, किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में आजकल लिख ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि घरों में तो पहले ये हिसाब था कि अगर दूध वाले का हिसाब है या किसी और का हिसाब है तो कैलेंडर पे लिख चढ़ा दिया कि हाँ भाई तुम्हें इतना पे कर दिया है। तो ये कुछ हिसाब थे जो तरीके हैं जो आज भी लोग उल्टा सीधा तरीके से कर रहे हैं, और पहले तो ये पेपर और पेन वगैरह का कोई हिसाब ही नहीं था उस वक्त, और मुश्किलें आती थी। तो इसको अब देखिए, जो मिट्टी कच्ची मिट्टी होती है उसमें आप कुछ लिख दीजिए, उसके बाद आप सुखा दीजिए तो वो वैसे के वैसे रह जाएगी। तो उसमें लिखते थे ये लोग। अब जैसे जैसे उनको लगा कि जिस चीज का मुझे हिसाब रखना है, जैसे बाद पहले था वेजेस का, टैक्सेस का, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स लिया करती थी तो वो हिसाब लेती थी। उसके बाद जो आगे और बढ़े तो पता चलता है कि जो गोल्ड वगैरह जो वैल्यूएबल चीजें थी उसको रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने रखा। और फिर आगे और चलिए तो ये सब चीजें जो करवा रहे थे, जो कर रहे थे, तो वहां के जो वजीर होते थे बेबीलोना वगैरह में, इजिप्ट में, वो इनको जो डे टू डे रिपोर्टिंग होती थी वो उसको रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को लिख के दिया करते थे इसी टाइप से कि क्या इनकम हुआ है, क्या एक्सपेंसेस जो आज के डेट में हुआ है, उन सब चीजों को ये लिखते थे। उसके बाद ये चाइना तक पहुंच गया, फिर बेटा ये इंडिया में पहुंचा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहा है जिसमें हमारी अकाउंटिंग का जो तरीका हिस्ट्री है चलती आई है। फिर जाके बेटा जब इंडिया में पहुंचा तो ये कौटिल्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त के किंगडम के टाइम पे हुआ। उसके बाद बुक्स लिखी गई, और इसके भी जो बुक पहली जो बुक आई थी, जो फर्स्ट टाइम जो अकाउंटिंग के ऊपर बुक लिखी गई थी, वो राइटर थे उसके लुका पैसोली। और यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इस बुक को लिखा था, अकाउंटिंग के बारे में चीजें लिखी थी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपने हिसाब से बना के लिखे थे कि भाई हमें अकाउंटिंग इस तरीके से करनी चाहिए, जबकि अकाउंटिंग उससे पहले भी चल रही थी, लोग कर रहे थे अपने अपने तरीके से, उसको रिकॉर्ड रखते थे। इन्होंने जो बुक लिखी उस पहली बुक का नाम था फर्स्ट बुक ऑन, जो बुक आई थी पहली बुक ऑन जो आई थी ना, वो क्या आई थी बेटा, डबल एंट्री बुक कीपिंग। आज भी हम लोग यही पढ़ते हैं, वैसे तो नाम तो हमारे बुक्स के भी यही रहते हैं ज्यादातर, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग जो पहली बार लिखा गया था वो इन्होंने लिखा था, और ये 1494 की बात है जब इन्होंने लिखा था। तो इन्हें कई बार ना फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को नहीं कहा कि हम नहीं, मैं खुद ही ऐसा हूं जिसने आपके सामने ये अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन लेके आया हूं, ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा था। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कभी भी अपने आप को क्लेम नहीं किया कि मैंने इन्वेंट किया है इस चीज को। ठीक है जी, उनकी ही बुक में जो वर्ड था ना बेटा, डेबिट और क्रेडिट को फर्स्ट टाइम देखा गया कि डेबिट क्रेडिट को इन्होंने ही बताया था, और फिर धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती चली गई। डेबिट वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड डेबिटो से आया है, और क्रेडिट जो है इटालियन वर्ड है क्रेडिटो, इससे बनाकर डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है बच्चे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ये नोट्स आप बाद में बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत कम हमने पूरे अकाउंट्स पढ़ ली, लेकिन कहीं पे इसकी इतना जरूरत पड़ी है, नहीं हमें मालूम था इसके बारे में कुछ भी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, जरा आगे आइए कि भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप कौन सा चैप्टर करा रहे हो? फर्स्ट चैप्टर बेटा। ओके सर, चैप्टर वन करवा रहा हूँ, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह मैंने बता दी है। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं, बस एक सेकंड लग जाएगा, लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले अकाउंट्स बेटा बेबीलोना इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था 4000 बीसी में, जब वो अपने पेमेंट्स वेजेस टैक्सेस को ये अपने मिट्टी के समझ लीजिए रिकॉर्ड करने के लिए मिट्टी के बर्तन वर्तन का इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, इस टाइप की चीजें थी, एक प्लेट जैसा बना लिया या स्लेट जैसा बना लिया जिसपे वो लिखा करते थे मिट्टी के, उस पर फिर उसके बाद ये अपने जो कीमती चीज थी उसको लिखना स्टार्ट किया इन्होंने। और जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे, जो वजीर वगैरह होते थे, वो अपने जो सीनियर्स वगैरह को थे, वो उन्होंने जो भी डेली इनकम सोर्स वगैरह होती थी उसको रिपोर्टिंग इसी तरीके से करते थे।
उसके बाद ये चाइना में आ गया, चाइना के बाद ये इंडिया पहुंचा, और ये इंडिया जब पहुंचा तो ये उस टाइम जो है चंद्रगुप्त का जो टाइम था वो उस टाइम चल रहा था। उसके बाद एक बुक लिखी गई बेटा 1494 में, और ये बुक जो है लुका पैसिउली ने लिखी थी, और ये बुक थी डबल एंट्री की पहली बुक लिखी गई थी जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट को लिखा गया था, और इन्हीं को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने बताया आपको डेबिट और क्रेडिट का वर्ड कहाँ से ऑरिजिन है, तो डेबिट जो है इटालियन वर्ड है और क्रेडिट जो है वो भी इटालियन वर्ड है, और वहां से लिया गया है डेबिटो और क्रेडिटो से। अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे जो अब हम लोगों ने पढ़ी है, तो आप लोगों ने अब देखी होगी बहुत पूरी अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ ली, तो उसमें एक चीज देखी है, अब डेफिनेशन वगैरह हर एक चीज को मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की। हाँ जी, कैसे आर्ट है मैं आपको एक बात बताऊं कि इस आर्ट की बात इसलिए कहते हैं कि आपने पूरी अकाउंटिंग पढ़ी, हमने जर्नल से लेजर ले जाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस ले जाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस और ट्रेडिंग तक पहुंचते हैं। अब मान लीजिए कि हमने पूरे साल ये अकाउंटिंग करी, एक साल के बाद कोई भी बंदा हमारे पास आता है, कोई भी मैनेजमेंट का कोई बंदा आता है, और वो कहता है कि भाई आप मुझे बताइए ना रेंट पूरे साल में कितना गया, तो मैं पीएनएल अकाउंट देखूंगा बता दूंगा। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे बताइए जनवरी का रेंट कैसा कितना गया, तो लेजर में जाऊंगा, है ना, रेंट के लेजर में जाके वहां से देख के बता दूंगा मैं। अच्छा, वो कहता है कि कितना रेंट रह गया, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, आउटस्टैंडिंग रेंट या ट्रायल बैलेंस में जाके रेंट आउटस्टैंडिंग को देख के बता दूंगा। तो आप ये समझिए कि हमने तो सारे रिकॉर्ड्स रख दिए, अब जो भी पूछना है पूछ लीजिए, हम सब बताएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड हम सारी चीजों को बताते हैं। तो ये एक तरीके से आर्ट है जो कि आम लोगों के बस की ऐसी नहीं है जब तक इसको सीखा ना जा सके। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने का एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, फिर उसको हम लोग समराइज भी करते थे। क्लासिफाई मतलब बेटा लेजर बनाते हैं, फिर समराइज मतलब हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, तरीके से इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं मनी के टर्म्स में होते हैं, ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट। तो कह रहे कि जो भी आपके मनी जो है मनी के ट्रांजेक्शंस में लिखते हैं, जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, वो चाहे फाइनेंशियल कैरेक्टर में इवेंट हुआ हो या ट्रांजेक्शंस हुए हो, दोनों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको ट्रांजेक्शंस का मतलब तो आप लोग जानते होंगे ना, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। ठीक है, लेकिन इवेंट का मतलब आप जानते हैं क्या, ये बता सकते हैं जी बेटा, इवेंट का मतलब बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आप ये देखे होंगे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं, भाई हमने सामान तो खरीदा है, सामान हमने बेचा है, ये तो ठीक है, इसके लिए ट्रांजेक्शन हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे आपने रिकॉर्ड करा, हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना, क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं उसको, तो इसका कैसे होता है, हमने क्या करते हैं लास्ट में जाके हम अपने स्टॉक को काउंट करते हैं और पता लगाते हैं कितना स्टॉक बच गया है, जबकि ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उसके बाद भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इवेंट्स है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बेटा, इवेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इन सबको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स थेरऑफ। जब हम लोग सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं समराइज में, उसको अच्छे से रख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं। ये डेफिनेशंस हम लोग पढ़ते हैं इसमें। चलिए और आगे बढ़ते हैं जरा थ्योरी के लेके। देखिए, जो अकाउंटिंग हमने पढ़ी, उस अकाउंटिंग में ना तीन चीजें हमें जाननी होती है। एक होता है बेटा हमारे लिए बुककीपिंग, एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग, और एक होता है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बुककीपिंग क्या है, बुककीपिंग एक आर्ट है, ये भी रिकॉर्डिंग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है एक पार्ट, इस बात को समझना, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या है, इस पे किस बात पे ध्यान दिया गया, ये बोलते हैं कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, इन्होंने इंटरप्रेट करने की बात नहीं करी है बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंटरप्रेट नहीं होता, इसके अंदर ना सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग करी जाती है बेटा, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा जाता है, इतने बात को हम लोग बुककीपिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में समराइज होते हैं फाइनेंशियल डाटा, उसके बाद उसको इंटरप्रेट भी किया जाता है, ये इन दोनों में फर्क है। अगर कोई बोले कि भाई आपको अकाउंटिंग आती है बुककीपिंग, तो अगर आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, तो अकाउंटिंग भी आती है मुझे, लेकिन अगर वो आप उतना नहीं कर सकते, सिर्फ जर्नल बना सकते हैं, लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह बना सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि जी हमें बुककीपिंग आती है। अकाउंटेंसी क्या, ये जो पूरी स्टडी है अकाउंटिंग की, उन सारी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है।
ये बोरिंग जरूर होगा क्योंकि ऑलमोस्ट आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, आगे चल के कुछ चीजें आपके सवाल बनेंगे। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये आपके डिफरेंसेस है, आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बुक कीपिंग में मैंने क्या बोला था भाई, ये इसका जो एंड है ना वो लेजर अकाउंट तक जाके एंड हो जाता है, लेकिन इसका जो है वो कम्युनिकेट करना, इंटरप्रेट करना, समराइज करना, इन सब चीजों को हम लोग अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं, जबकि बुक कीपिंग में सिर्फ कहाँ तक जाता है, रिकॉर्ड तो होता है, क्लासिफाई भी होता है, और क्लासिफाई तक ये जाके खत्म हो जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट से हम लोग या प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग मालूम करते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट स्टेज जो अकाउंटिंग का है उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं बेटा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तक आप समझ लीजिए एक तरीके से कि हम उसे प्राइमरी स्टेज कहते हैं, और ये सेकंड स्टेज है जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है बेटा, वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इसको अगर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की बात करें तो ये रूटीन इन नेचर है। आप समझते हैं रूटीन इन नेचर का मतलब होता है, देखिए आज भी परचेज की एंट्री हुई, फिर से परचेज की एंट्री, रोज दिन भर में 10 बार हो रही तो 10 बार रिकॉर्ड करना है उसको, ठीक है। कल भी सुबह उठिए फिर से परचेज सेल हो रहा है तो फिर से परचेज सेल को रिकॉर्ड कीजिए, तो ये रूटीन ही नेचर है बेटा, रिपीटेटिव नेचर है, बार बार ये चीजें होंगी, लेकिन ये क्या एनालिटिकल नेचर है। आप प्रॉफिट एंड लॉस हर बार नहीं बनाएंगे बैठ के, रोज का रोज नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट रोज का रोज नहीं बनाएंगे, उसको जो आप एनालाइज करेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना परसेंट अर्न किया है मैंने, ये आपका एनालिटिकल है जो कि आपका रिपीटेटिव नहीं है बेटा, वो ईयर के एंड में ही किया जाएगा। तो इसमें आप बात करें अगर लेवल ऑफ स्किल्स की, तो ये जूनियर स्टाफ कर सकता है क्योंकि रिपीटेटिव नेचर है। मान लीजिए उसको अकाउंटिंग नहीं आती, उसने पढ़ाई नहीं करी डेबिट क्रेडिट की, लेकिन बेटा 4-5 दिन, हफ्ते दिन, 15 दिन के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि परचेज को कैसे लिखना है, सेल्स को कैसे लिखना है, ठीक है। लेकिन एनालाइज करना उसे 4-5 दिन में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही बेटा। तो यहाँ पे जो है बुक कीपिंग में हमें किस टाइप के अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है इसमें एक जूनियर अकाउंटेंट की, और जबकि यहाँ पे हमें किस टाइप के अकाउंटेंट चाहिए, हमें चाहिए बेटा सीनियर अकाउंटेंट। क्लियर? बोलिए। अकाउंटिंग प्रोसेस याद है आपको, कुछ बता सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जब हमारा अकाउंट्स, जब हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, याद होगा आपको, तो उसमें हमें ना सबसे पहले ये देखना होता था, जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, इस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा कि भाई लॉस बाय थेफ्ट, क्या इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, ठीक है। क्या कितना रिकॉर्ड करूं? कितना रिकॉर्ड करूं स्पर्श? सर मेरे को बस आपकी इतनी आवाज आई थी, लॉस बाय थेफ्ट। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मैंने अमाउंट बताया नहीं आपको, तो बेटा हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब तक हमें मेजर ना कर सके उसको। ठीक है, मैं कहता हूँ यार मेरा मैनेजमेंट जो है ना बहुत बढ़िया है, उसकी कोई जर्नल एंट्री कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते। तो मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें ये जज करना जरूरी है कि कितने ट्रांजेक्शन मेजर करा है, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो वो कितने रुपए का है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने मेजर करने बाद ये भी देखना है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी कि नहीं, जब हम मेजर कर रहे हैं। जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी को हम मेजर करने क्यों बैठ गए भाई, वो तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं है। हाँ लॉस जो हुआ है, मान लेते हैं कि भाई आपके पास कोई फर्नीचर था जो जल गया या चोरी हो गया, तो उसको आप मेजर कर सकते हैं कि इतनी की चीज जल गई है, तो वो फाइनेंशियल हो सकता है। तो सबसे पहले मेजर करना है, और उसके बाद जाके उसको उन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल है भी या नहीं है। जब ये पता लग जाए हाँ जी ये आइडेंटिफाई हो गया जी मेजर, अब मेजर कर लेते हैं कि कितने का है, मेजर करने बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। ये करते थे ना, रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड कहाँ पे करते थे बेटा? जर्नल एंट्री। और रिकॉर्डिंग का एक और तरीका होता है, आपको याद हो तो उसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। तो या तो आप जर्नल एंट्री बना लीजिए या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए, दोनों प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग है। और सब्सिडरी बुक्स के बाद हम लोग लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चे अकाउंटिंग प्रोसेस। बताइए क्लियर है ये? यस सर। तो ध्यान दीजिएगा,
तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बाद उसे मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, और फिर उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड का फिर उसे हम क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को। ये है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। क्लियर? तो ये अभी तक पता है आपने, हम लोगों ने ना 11th में ना यहां तक पढ़ लिया, समराइज कर लिया, मतलब फाइनल अकाउंट तक पढ़ लिया। एनालाइज और इंटरप्रेट करना जो है हमें 12th में सिखाया जाता है। ओके जी, अब आइए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये भी देखिए फंक्शंस अकाउंटिंग की क्या है। तो जो प्रोसेस में आपने रिकॉर्ड किया वही फंक्शन है उसका, वो आइडेंटिफाई करता था, रिकॉर्ड करता था, क्लासिफाई करता था, समराइज करता था और कम्युनिकेट करता था। ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी है। अगर आपसे कोई पूछे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो फंक्शंस आप बताएंगे कि भैया उसमें ना रिकॉर्ड होता है, क्लासिफाई होता है, समराइज होता है और वो कम्युनिकेट करता है। अकाउंटिंग के ये काम है, स्टार्ट करता है आइडेंटिफाई से और एंड करता है कम्युनिकेटिंग पे। क्लियर है जी? एक बार लास्ट टॉपिक रिपीट कर दीजिए, यहाँ पे नेटवर्क इशू हुआ। ओके, हमने बात ये देखी थी स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस बेटा हमारे आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन को लिखने से पहले ये जानना पड़ता है। जैसे मैंने एक, हम लोगों ने एंट्रीज, जनरल एंट्रीज के दौरान एक ट्रांजेक्शन लिखते थे कि 5000 यानी ऑर्डर एचपी प्रिंटर, एचपी प्रिंटर को हमने ऑर्डर किया है, ठीक है, वन प्रिंटर ऑफ रुपीज 5000 हमने ऑर्डर दिया है, 5000 रुपए का एक प्रिंटर, ठीक है। तो उसकी कोई जर्नल एंट्री होगी क्या? नो सर, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अभी हुआ ही नहीं है। मेजर तो कर लिया लेकिन आइडेंटिफाई नहीं, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अभी नहीं, ऑर्डर करना कोई जो है ना वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसीलिए किसी भी अकाउंटिंग को हमारा जो स्टार्ट होता है बेटा वो आइडेंटिफाई करने से होता है। फिर उसके बाद हम उसे मेजर करते हैं, और मेजर करने का तरीका ऐसा नहीं है कि भाई हमने क्या करा है कि जो केजी में मेजर कर लिया, फीट में मेजर कर लिया, एरिया में मेजर करा, ऐसा नहीं करते हम लोग। किस में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में ही मेजर करते हैं इसको, और उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करते हैं अपने, हम लोग हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है बेटा आपने पढ़ा होगा, या तो हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते थे यहाँ पे, है ना, जर्नल में करते थे, या सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। तो आप कहीं पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी। उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज। तो क्लासिफाई आप समझ गए, लेजर वगैरह बनाते हैं। समराइज वगैरह में क्या होता है, सारी चीजें आती है, ट्रायल बैलेंस भी आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट भी आ गई और बैलेंस शीट्स भी आ गई। उसके बाद हम बैठ के एनालाइज करते हैं कि भाई जो प्रॉफिट हुआ है वो कंपैरिजनली पिछले साल से अच्छा है कि नहीं है, कितना पैसा लगाया था, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये सारे कंपैरिजन, हमने इतना कमाया हमारे इंडस्ट्री में और हमारे जैसे काम करने वाले लोगों ने क्या अर्न किया है, वो सारी चीज को कंपैरिजन करना, उसको एनालाइज करना, उसके बाद उससे मीनिंगफुल चीजें निकालना, उसके बाद जाके हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर से। ठीक है जी, ये अकाउंटिंग। अगर आपसे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी कुछ ऐसे ही है बेटा। वो पूछेंगे भाई अकाउंटिंग का काम क्या है, तो आप बोलेंगे भाई देखो ज्यादा कुछ नहीं है, वो क्या करता है किसी भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करता है, देन उसके बाद जाके उसको रिकॉर्ड करके सारी चीजों को अलग अलग रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, फिर समराइज करता है, उसके बाद जाके वो कम्युनिकेट करता है। इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, ये हम लोग जानते हैं बेटा, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ ये क्या कुछ छूट ऐसा तो नहीं छूट गया जो हमें बिल्कुल नहीं पता था। ओके जी, ये नोट नहीं करेंगे आप, पीडीएफ में सेंड करूंगा आपको। अब बात कर रहा था मैं इवेंट्स की, ठीक है, कि भाई मैंने पीछे आपको बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स वो सारी चीजें हैं जो कि एक्टिविटी बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर की जाती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज्यादा कुछ हो। तो अगर इंटरनल इवेंट की बात करें तो आप ये समझ लीजिए एक सामान, जैसे मान लीजिए कि एक वो है बिल्डर है बेटा, उन्होंने क्या करा, सीमेंट मंगवाया, उन्होंने सरिया मंगवाए, उन्होंने ईटे मंगवाई, अब जो स्टॉक आ गया है ना उनके वहां पे, उस स्टॉक को उठा के वो बनाना स्टार्ट कर दिए, तो अपना ही स्टॉक एक जगह से उठा के जब दूसरी जगह लाएंगे तो पहली जगह पे वो रिकॉर्ड किया जाएगा कि भाई हमारे पास से स्टॉक निकल चुका है, दूसरी जगह वाला बोलेगा कि हमने उसको यूज कर लिया। तो ये जो आपस में इधर से उधर सामान जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना, उसे कहते हैं इवेंट हो रहा है। तो ये इवेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लियर है? तो ये इवेंट्स होते हैं। ओके,
अब मेन चीज क्या है, इवेंट और ट्रांजेक्शंस को अगर आप सही से देखेंगे तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं, नॉट ऑल इवेंट्स आर ट्रांजेक्शंस, लेकिन सारे ट्रांजेक्शंस को आप इवेंट्स कह सकते हैं। बस ये डिपेंड करना होता है कि वो इंटरनल इवेंट है या एक्सटर्नल। तो जो बाहर के जितने भी ट्रांजेक्शन, सामान खरीदना बेचना, ये भी एक तरीके का इवेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं बेटा। क्लियर है? Yes, sir. तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि भाई जो ये जो इवेंट्स होते हैं ना, उसमें चेंज में और मे नॉट बी मेजरेबल इन मनी टर्म्स। कई बार मनी टर्म्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टॉक हम चेक कर गया हो गोडाउन से कितने का स्टॉक है भाई, तो आपने बता दिया जी 2 लाख का स्टॉक दिख रहा है, मैंने उसको लिख दिया। तो इससे क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ गया, क्या मेरी प्रॉफिट बढ़ गई, क्या मेरा सेल्स बढ़ गया, क्या मेरे खर्चे बढ़ गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन की, कोई भी सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, एक्सपेंसेस दिए जाएंगे, उन सब से ही मनी टर्म्स में अगर देखा जाए तो उस पर फर्क पड़ता है, हमारे फाइनेंशियल उसमें भी फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, तो ये आप नॉर्मली आप इवेंट्स को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इवेंट्स वो सारे ट्रांजेक्शन जिसको हम अगर डिफरेंट बोले, इवेंट को अलग लेते हैं हम लोग, तो वो सारी चीजों को हम लोग इवेंट कह रहे होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक फ्लोर है, तो एक बिल्डिंग है जिसपे 3 फ्लोर है। पहले फ्लोर पे क्या होता है कि कपड़ा जब आता है ना, वो कटिंग होती है। दूसरे फ्लोर पे वहां से कटिंग हुआ माल जो आता है ना बेटा, वो उसकी स्टिचिंग होती है। तीसरे फ्लोर पे वहां से निकाल के जो है ना, उसकी पैकिंग होती है। तो फर्स्ट फ्लोर का अकाउंटेंट लिखता है कि मेरे पास कितना स्टॉक आया और यहाँ से कितना निकल गया। दूसरे स्टॉक, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय भी लेके चला जाएगा ना, तो वो सारी रिकॉर्डिंग होती है कि मेरे पास इतना आया था। सेकंड फ्लोर वाले ने अलग रिकॉर्ड किया, थर्ड वाले ने। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा अदर पार्टी नहीं, हमारी कंपनी में ही माल इधर से उधर जा रहा है, इसी को हम लोग इवेंट कहते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? वो सिंपल सी चीज है सर, हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे थे, हमें पता था कि हमारा जो, अब ये देखो जो अकाउंटिंग का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, उसका मकसद क्या था कि भाई हम इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेट भी करेंगे उसको, और सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव है, इसमें जाके कुछ चेंज थोड़ी ना कर देंगे चीजों को जाके। हम वहां जब बैठेगा अकाउंटेंट तो कुछ और करने लग जाएगा, सीरीज थोड़ी ना बढ़ाना है बैठ के उसको। यही जो उसका जो उसके प्रोसेस थे उसी को फॉलो करेगा, तो क्या करेगा उसमें, वो रिकॉर्ड करेगा, फिर से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस बताएगा, कंपनी को हेल्प करेगा कि भैया देखिए इतना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो एनालाइज इंटरप्रेट करके इसके हाथ में दे देगा मैनेजमेंट को कि देखो भाई साहब पिछले साल ये प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ठीक है, पिछले 2 साल का डाटा दे देंगे उसको, तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा, पूरे साल के एक्सपेंसेस बता देंगे, एडवर्टीजमेंट में इतना खर्च किया, लास्ट ईयर हमने ये किया था, सेल्स हमने इतना दिया, इस बार डिस्काउंट आपने इतना दिया, तो प्रॉफिट हमारा इतना हुआ है। हम सारी चीजें इसको बताएंगे जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा अपने डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और जो उसके अलग यूजर से जो मैनेजमेंट से बाहर हैं, जितने और भी लोग हैं, उसको भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना के हमने डाल दिया। ठीक है, तो उससे जितने भी लोग हैं हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, उन सभी को हम लोग हेल्प कर रहे हो। तो यही अकाउंटिंग का प्रोसेस, यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बेटा, इसके अलावा हमें कुछ और करना ही नहीं होता है। इसमें से कोई पॉइंट है जो आपको समझना हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। बोलिए बेटा, कुछ नहीं। ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें हम लोग, जरा क्या होता है जी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो हम लोगों ने पढ़ी है उसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये एक होता है कॉस्ट, एक मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये दो अकाउंटिंग है ना बेटा, हमारे किसी काम का भी नहीं है, लेकिन ये तीनों की हमें बहुत जरूरत पड़ती है और ये हम जानते भी हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, सामान खरीदना बेचना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शेयर से रिलेटेड बातें होती हैं, कंपनी के शेयर्स वगैरह जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये 12th में आप लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 12th में थोड़ा बहुत हमारे पास है शेयर से रिलेटेड।
इसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी कहते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये बीकॉम में आप पढ़ेंगे, इसका डिटेल बीकॉम में मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत चीजें हमें जाननी होती है। वो क्या होता है कि पर कॉस्ट, मतलब जैसे एक मैं ना मैन्युफैक्चर करता हूँ बेटा, मैं अब मान लीजिए कि मैं एक पेन बनाता हूँ, तो पेन पर कॉस्ट कितना का तैयार हो रहा है, कितने कॉस्टिंग पड़ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि यार एक पेन हम बना के तैयार करते हैं और उसे ना 10 रुपए 15 रुपए जो भी कॉस्टिंग होती है उसमें बेचते हैं हम लोग, उसी में देखिए प्रॉफिट भी है, उसी में एडवर्टीजमेंट्स भी है, ठीक है। आप सोचिए कितना मुश्किल है इसका कॉस्ट निकाल पाना, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है बेटा, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है उसका मेन चीज ना कॉस्ट अकाउंटिंग ही होता है, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का पर यूनिट कॉस्ट जो होता है। जैसे आप मान लीजिए कि टिकट रखा गया है, मेट्रो का टिकट है, तो उन्होंने ऐसा रखा है कि भाई उसको फ्यूचर में फायदा भी हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई 15 रुपए ही रहेंगे सारी कैलकुलेशन के बाद। वो सारी छोटे मोटे खर्चे जो सफाई से लेके उसको बनाने में, जो उसको सर्विस देने में खर्चे आएंगे, सारी चीज इंक्लूड करने के बाद वो उसकी कॉस्टिंग रखते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के दौरान हम लोग पढ़ते हैं। जी चेतना, क्लियर है? जी सर। तो अब ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं आपको, वैसे तो हमने पूरी पूरा पूरी बुक पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही थी बेटा वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, किससे रिलेटेड बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पता किया जाता है कि जो खर्चे किए गए हैं, जो एक्सपेंडिचर एनालाइज करने के लिए किया जाता है, इसमें ये पता किया जाता है कि भाई पर कॉस्ट प्रोडक्ट का क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट असर्टेन, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, उनकी कॉस्ट पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टडी की जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है पॉलिसी डिसीजन वगैरह, शेयर्स वगैरह से रिलेटेड बातें होती हैं इसमें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि देखिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, जैसे आपने टाटा का नाम सुना हो या और गुड़गांव आप देख लीजिए, या ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको शहर मिल जाएंगे कि जब वहां पे इंडस्ट्री पहुंच गई ना बेटा, वहां का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या करा, अपने इम्प्लॉय, जैसे कुछ लोग ऐसे जगह पे अपना सेटअप रखते हैं जिससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि जो वहाँ के लोकल है उसको जॉब मिल जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि वो अपने जैसे इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इम्प्लॉय हो सकते हैं, उनको वहां पे स्टे करवाने के लिए तो उनको अच्छे स्कूल्स भी डालने पड़ जाएंगे, उनको अच्छे रोड्स भी बनाने पड़ेंगे, अपने बिजली की भी अच्छे से फैसिलिटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वाटर वगैरह, और वहां पे बिल्डिंगें वगैरह भी बनेगी। तो ये जो है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि जब आप वहां पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप ये भी डिसीजन लीजिए कि आपकी वजह से वहां के आसपास लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, उससे उसको फायदा भी पहुंच रहा हो, तो ठीक है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, और हर अकाउंटिंग में, हर बिजनेस में, बड़े बिजनेस में इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का भी यही होता है कि जैसे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्स, जैसे एम्प्लॉई है आपके, उसके लिए स्कूल्स अच्छे डालना या उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उसको मोटिवेशन देना, ये भी बहुत जरूरी है। उनके लिए वेकेशन के लिए प्रिपरेशन करना, ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पार्ट होता है बच्चे। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, ये बहुत सवाल आता है कई बार। तो बेटा आपने अकाउंटिंग में देखा, देखिए अकाउंटिंग को कहते हैं बेटा आर्ट भी है और साइंस भी है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि आर्ट तो बेटा आपको पता है कि उसमें हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, जो कि दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, एक रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर रूल रेगुलेशन सर्टेन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम लोग साइंस भी कहते हैं। फिर उसके बाद आइए, एडवांटेजेस क्या है सर अकाउंटिंग करके, क्या होगा? अरे अकाउंटिंग करके क्या होगा, क्या बात कर रहे हो, बहुत कुछ फायदा होगा। जैसे कि आपको किसे कितने पैसे लेने थे वो आप दिमाग में कितना रख लोगे बताओ, अब अपने स्टॉक का कितना ध्यान रख लोगे, आप अपने कंपनी को कैसे कंपेयर करके आगे ग्रोथ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे डिसीजन लोगे आप, जब तक आपके पास अकाउंटिंग नहीं है। तो अकाउंटिंग जो है बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है बेटा, ये इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है हमारे सामने, ठीक है। पहली बात क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, मेमोरी रिप्लेस, मतलब मेमोरी में तो चीजें इतनी आ भी नहीं सकती थी, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्प करता है,
टैक्स वगैरह का सेटलमेंट ऑब्वियसली बात है, जब तक आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप टैक्स कैसे पे करेंगे, ठीक है। लोन आप जब आज के डेट में आप अगर लोन लेने जाते हैं ना, कॉर्पोरेट लोन लेने जाएंगे, तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो आप हमें दीजिए, तो ऑब्वियसली बात है वो तो बनाना ही पड़ेगा आपको। एविडेंस इन कोर्ट, मान लीजिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पार्टनर्स आपस में डिस्प्यूट कर लेते हैं, तो उस दौरान आप अपने रिपोर्ट्स को भी दिखा सकते हैं अगर कुछ ऐसा मसला फाइनेंशियल सेटलमेंट का है। तो आप अपने बिजनेस को बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, किसको, सामने वाले क्या दिखाएंगे कि मेरे पास कितने का एसेट्स है, लास्ट ईयर क्या सेल हुआ था, फ्यूचर में क्या ग्रोथ दिख रही है, ये तो खरीदने वाला तो ये सारी बातों को देखेगा ना बेटा, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट टू इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, मान लीजिए आपका बिजनेस जो है ना दिवाला हो जाए, बर्बाद हो जाए, बिल्कुल बंद करने के उस पे आ गया, अब ऐसे में 50 लोग आपसे पैसे मांगने आ जाएंगे, तो किसको क्या देना है, कितना देना है, वो अगर रिकॉर्डिंग रहेगी तो आसान है, ठीक है, तो वो उस टाइम भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। पार्टनरशिप में तो ऑब्वियसली बात मैंने आपको बताया, और डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करेगा ही, जब आगे इतनी सारी बातें आपको पता रहेंगी तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर है बेटा, आइए जी अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर आपने फायदे बता दिए, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन इसके कुछ तो कमियां होंगी, इसके अंदर कमी क्या है? तो पहली कमी है कि भाई इस पे हम भरोसा 100% हमें नहीं करना चाहिए। सर क्यों नहीं कर सकते? देखिए एक अकाउंटेंट को पैसा कौन देता है बेटा, ये बताओ मुझे, इस पर शाम बताओ। ऑनर देता है या जो यूजर्स है अकाउंटिंग के वो देते हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को तो वो दे रहे हैं, ठीक है, बैंक वाले को लोन देना है तो बैंक वाला पैसा देता है, मुझे कंपनी खरीदनी है तो क्या मैं उस अकाउंटेंट को पैसा दूंगा जिसने रिपोर्ट तैयार करी है, या उसी का कंपनी उसको पे करेगा? सर ओनर की कंपनी का ओनर, ओनर करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एक बात सोचो कि अब एक सिंपल सी बात यह है कि आप ऐसा मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई आपका आप किसी चीज के लिए पे कर रहे हो और आपने बोला जी मेरे लिए रिपोर्टिंग करके दिखाओ, तो वो अच्छा दिखाएगा या बुरा दिखाएगा? कभी तो अच्छा दिखाएगा, कोशिश तो यही करेगा कि अच्छा ही दिखाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ, अब मान लेते कि इतना भी बिल्कुल अकाउंटेंट इतना भी ईमानदार है कि नहीं भाई वो मालिक की सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ना आप मुझे पैसे दे तो वो अपनी जगह होगी, लेकिन मुझे और लोगों का ख्याल रखना है, मुझे गवर्नमेंट का ध्यान रखना है, बैंक का भी ध्यान रखना है, जिन लोग जो लोग आपको उधार दे रहे हैं, जो लोग आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखना है भाई, तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा, ये चांसेस तो आपको कितना परसेंट लगता है कि ऐसा होगा? तो बहुत कम, बहुत कम होगा, क्यों सुनिएगा? तो मालिक बोलेगा ठीक है भाई साहब आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है ये यहाँ पे एक खामी तो है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे अब स्कूल्स में अब ये बोलिए आपको बोला जाए कि भाई आपने एग्जाम देने और आपने ही टीचर अपने असाइन करने और एडमिशन में आपके अच्छे परसेंटेज जो हम देंगे, तो ऑब्वियस बात है आप परसेंटेज बढ़वा लोगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये बोर्ड नहीं होता, ठीक है, और अपना अपना सबके घर में एक स्कूल होता तो क्या होता, सबके मार्क्स अच्छे आते। तो यहाँ पे वही वाले मसले हैं यहाँ पे कि भाई अकाउंटेंट भी आप ही का, सब कुछ वो आप ही का कर रहा है, तो हम कितना भरोसा कर सकते हैं? तो पहली सिचुएशन है कि वो 100% एग्जैक्ट नहीं होगा, जो बातें वहां से निकल के आएंगी उसमें कुछ ना कुछ बायस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको आप समझनी है। पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। दूसरा है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग जैसे मैंने मान लीजिए 1 जनवरी को खरीदा था 2 लाख रुपए का, या मान लीजिए 1 अप्रैल को खरीदा बेटा बिल्डिंग 2 लाख रुपए का, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने रुपए का दिखेगा ये बता दीजिए मुझे आप। तो एक बार दोबारा बता दूं, मैंने बिल्डिंग खरीदी बेटा 2 लाख रुपीज की, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने रुपए की दिखने वाली है? 2 लाख, एक पूरे 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। जमीन कितने की दिखने वाली, जितनी की हमने खरीदी थी उतनी दिखाएंगे। अकाउंटिंग का तरीका यह है कि जो भी आपका रिकॉर्डिंग हो गया वही एंड में आपको दिखेगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है भाई? भाई कंपनी में या मेरे पास बिल्डिंग है या मेरे पास एसेट्स है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है मार्केट में, और ये भी पॉसिबल है कि वो घट रही हो, तो आज बेचने जाएंगे तो कुछ और दिखेगा, लेकिन अकाउंटिंग कहता है कि जिसने पे आपने रिकॉर्ड किया था हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग, वो रियलाइजेबल वैल्यू को नहीं दिखाता कि आज की कितने की बिक सकती है, तो डज नॉट इंडिकेट, कोई भी एसेट्स में ऐसा नहीं करता है।
दूसरी प्रॉब्लम इसकी क्या है, उसमें दिखा दिया आपको स्टॉक है 10 लाख का, लेकिन ये थोड़ी लिखा हुआ कि खराब है अच्छा है, ऐसा लिखता है क्या अकाउंटिंग? फर्नीचर की कंडीशन क्या ऐसा लिखता है? मशीन की कंडीशन क्या ऐसा लिख रहा है? उसके एम्प्लॉय के हालात कैसे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, ये सब देख लिया गया, लेकिन उसके हालात थोड़ी ना पता हमें। तो ये क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी पे आपको लगे कि कंपनी बहुत अच्छी है तो इसका एम्प्लॉय बहुत अच्छा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका मैनेजर बहुत अच्छा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके फर्नीचर, इसके बिल्डिंग, इसके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या करता है, इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन इसको नहीं, जो स्टॉक पे परचेज किया था उसको उतनी वैल्यू पे दिखाएगा। विंडो ड्रेसिंग जो मैंने आपसे बोला कि देखिए साल के एंड में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर या 31 मार्च में जब बनाना होगा बेटा, ठीक है, तो इसका अकाउंटेंट हमारा अकाउंटेंट बनाएगा और ये रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स में जाएगा, यही रिपोर्ट जो है बैंक के लिए जाएगा, यही रिपोर्ट जो है हमारे और अदर यूजर्स में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसमें छेड़खानी कर सकता हूँ। विंडो ड्रेसिंग कहते हैं आप अपनी चीजों को थोड़ा सा पहले से बेहतर दिखाना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ विंडो ड्रेसिंग का। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आने वाले, तो जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो क्या वैसी ही सिचुएशन रहती है जैसे रोज घर का हालत रहती है? बिल्कुल वैसी रहती है क्या, या कुछ चेंज हो जाता है उसमें? तो चेंज होता है, चेंज होता है ना, पर्दे भी चेंज हो सकते हैं, घर की सफाई स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अब जो बंदा आया उसको इम्प्रेशन क्या मिला, उसको बहुत बढ़िया मिला। तो ऐसा यही अकाउंटिंग में भी हो सकता है कि जब आपने, आपको लगे कि ये तो रिपोर्ट अब बाहर जाने वाली है, तो भाई आपने अकाउंटिंग को बहुत अच्छा दिखा दिया, आपकी सिचुएशन ऐसी, क्योंकि आप जीरो से एंड तक आप सब कुछ आप ही करते हो ना, सामने वाला तो सिर्फ देखता है। तो ऐसे ही जैसे आज एक एग्जांपल के तौर पे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा देते हैं, जब बच्चा बोर्ड में जाता है या वहां सीबीएसई से रिजल्ट आते हैं तब हालात पता चलते हैं कि हालात खराब हैं। तो विंडो ड्रेसिंग इसी को कहते हैं कि अकाउंटिंग में ये पॉसिबिलिटी, ये सारे पॉसिबल सिचुएशन है जिसकी वजह से अकाउंटिंग की कुछ कमी है। अकाउंटिंग ऐसा नहीं कि आप आग बंद करके यकीन कर लें उस पे अकाउंटिंग पे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में एक और प्रॉब्लम थी। आपको मैं बताऊं, बैलेंस शीट जो डेट, बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है या जो प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन है वो तो पूरे साल के इनकम दिखा रहे हैं। क्या ये चांसेस हैं, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई इसको देख के कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये बैलेंस शीट अच्छा दिख रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। अब मान लीजिए जैसे अब से मैं पूछूं कि स्पर्श आपका 10th में कितने मार्क्स थे, कितने आए थे? 89%। वो पूरे साल की मेहनत का था, वो एक दिन का था, या क्या क्या समझते हैं उससे आप? किसी की मान लीजिए 90 आ गए, पूरे साल का था, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ वो सिर्फ एक दिन का हिसाब है जिस दिन लिखा गया है वो रिपोर्ट को। भाई 80 अच्छा लग रहा है 89, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप उससे बेहतर स्टूडेंट्स हो, ये भी पॉसिबल है कि उससे आप खराब हो। ऐसी मान लीजिए आपने एग्जाम दिया होता, अभी पता नहीं 10th में आपने दिया था कि नहीं, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि आपने एग्जाम दिया और आपने चीटिंग मार के दी और आपके मार्क्स 95 है, तो क्या किसी के रिपोर्ट कार्ड से आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये अच्छा है? तो लेकिन देखिए डीयू में जितने भी एडमिशन होते हैं वो किसके बेसिस पे हो रहे हैं, कट ऑफ निकाला जा रहा है वो रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे, किसी ने चिटिंग मार के किए होंगे, किसी ने किसी को बैठा के किए होंगे, किसी को मार्क्स दे दिया गया, जिन्होंने चेक किया होगा भाई उनका भी अपना अपना एक तरीका रहा होगा, किसी ने एक नंबर दे रहे होंगे किसी क्वेश्चन में, किसी 15 दे रहे होंगे, लेकिन प्रोसेस भी तो यही है ना, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस लाया भी तो नहीं जा सकता है, क्लियर है? और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक बच्चे ने पूरे साल मेहनत करा और जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसकी वजह से वो एग्जाम में नहीं पहुंच पाया टाइम पे, आधा घंटा लेट पहुंचा, एग्जाम सही से नहीं दिया, लेकिन ये सारी चीजें रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखा सकते, ठीक है? इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी बहुत सारी खामियां हैं। पूरा साल बहुत अच्छा चल रहा था, एंड में लॉस, आग लग गया, लॉस बाई फायर, नेट प्रॉफिट नेट लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो आप सिर्फ उसको देख के आप जज नहीं कर सकते कि क्या हालात रही है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जब आग लॉस बाय फायर आपने दिखाया तो उसमें डेट नहीं लिखी कि 3 तारीख को आग लगे, बस लिखा दिया पूरे साल का नुकसान है ये। तो यही सिचुएशन है, ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है एक तरीके से कि हाँ अकाउंटिंग में ये प्रॉब्लम तो आएगी। तो जब भी आप अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो ये मान के चलेंगे कि नहीं भाई ये सब चीजों को या तो इग्नोर कर लीजिए, जब जैसे रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं किसी से पूछते हैं भाई कितने मार्क्स है तो हम ये इग्नोर कर देते हैं,
कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं सोचते कि हाँ भाई नहीं तुम तो बाद में हमें जजमेंट करके निकालते हैं कि नहीं तुम तो अच्छे हो यार तुम्हारे मार्क्स कम आए थे। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। समझ में आ गई बेटा? ओके अब इसके कुछ चीजें और भी हैं जैसे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। पहले मैं इस पे आ जाऊँ। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके यूजर्स अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं बेटा दो तरीके के। एक होता है बेटा इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स वो हैं जिन्होंने डिसीजन लिया, जिन्होंने मेहनत करी, ठीक है। तो ये इंटरनल यूजर है ऑनर, इसमें जिसने पैसे लगाए थे, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। ये तीन जो है सबसे ज्यादा रिस्क बेचारा ये ले रहा होता है, ठीक है। ये तीन जो लोग हैं वो इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ये उस पर डिपेंड करते हैं। अकाउंटेंट जो इन्फॉर्मेशन देता है उस पर ये डिपेंड कर रहे होते हैं, अपने डिसीजन वगैरह को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेके, अपने बोनसेस वगैरह को लेके। एम्प्लॉय इंतजार में बैठा रहता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो मुझे बोनस वगैरह मिलेगा, ठीक है, मेरी सैलरी वगैरह में हाइक होगी। एक्सटर्नल यूजर्स की अगर बात करें तो इसमें है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको लोन देना है, इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जिसको फ्यूचर में लग रहा है कि यार मेरे को ये बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए तो वो ही बैठा हुआ है, क्रेडिटर जिन्होंने उधार दिया था, गवर्नमेंट अथॉरिटी टैक्स के लिए, रिसर्चर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, या आप ये समझ लीजिए कि न्यूज चैनल्स वगैरह पे रिसर्च करते हैं लोग बैठ के कि कंपनी के क्या हालात है, नहीं है। तो ये सभी लोगों को आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है बेटा। ये सारे लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर हो गए। समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, इसमें कुछ एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी आप कर लीजिएगा, ये मैं सेंड करवा दूंगा आपको पीडीएफ। कर लेंगे जी बेटा, कर लेंगे। यस सर। और सर आपको बता देंगे टेस्ट के लिए, नेक्स्ट क्लास का टेस्ट वगैरह, तो उसका भी जो भी टेस्ट में एमसीक्यूज वगैरह होंगे उसमें तकरीबन 50-100 क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं पहले आपको दे दूंगा, उन्हीं में से आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा। 10-20 क्वेश्चन का ले लिया जाएगा, मैं ज्यादा आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है। तो कब होगा टेस्ट? ये सर बता देंगे आपको, शायद संडे हो या फ्राइडे को हो, नेक्स्ट फ्राइडे। यस, ठीक है बेटा, चलिए बस आज के लिए इतनी रहने देते हैं। ओके सर, बाय सर। Bye, sir.